सो गाइज मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू अ वेरी लेटेस्ट ब्लॉग। आज शायद 21st या फिर 20th डे, लेट मी सी। या टुडे इज गोइंग टू बी द 20th डे ऑफ माय वन डे और डे वन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जो बातें सारी साइड रखे भाई, आई वॉन्ट यू पीपल टू शेयर दिस कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन योर डे टू डे लाइफ। इन हर किसी के पास इसको भेजो, शेयर करो जितना हो सके भाई। तो बेसिकली भाई सीन ये है, जितना मैं सोचता था उससे ज़्यादा फक्ड अप है भाई ये वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों के टूवर्ड्स मैं सोचता था कि लाइक ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रियलिटी में वो कुछ कुछ होता ही नहीं है भाई। कह सकते कि आज की डेट पे या फिर आज की एरा पे सब कुछ डिल्यूजनल है भाई। लाइक यू नो, लव वाला कुछ एंगल हो या किसी के साथ ना, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस अ लॉट। और अभी तक जहाँ तक मैं आया हूँ ना यार, काफ़ी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया भाई कि नहीं है। मैं रिसेंटली था ऐसे एक इंसान के साथ, कल रात मेरी बात हुई थी बेसिकली, एंड आई रियलाइज द मोस्ट हार्श रियलिटी। कल रात को ही भाई एक लड़का होने के वो भी टूवर्ड्स भी की भाई, भाई क्या क्या फ्यूचर है करके। आई वाज लाइक मनी मैटर करता है, पर क्या कर लोगे भाई, कितना पैसा कमा लोगे जब खुश ही नहीं रह पाओगे। वो तो ठीक है, खुश जिस इंसान ने ऐसे बोल दिया वो तो खैर चाहता ही क्या होगा, अभी सच्चा क्या ही रखा होगा जब जिस इंसान ने ऐसा बोल दिया भाई। कल रात को आई रियलाइज हार्श रियलिटी की ये सब बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा धोखा है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो मेरे तरह जो बंदे हैं आउट देयर, जो भी कोई देख रहा है भाई, 100 में से 10 बंदे भी देख रहे हैं ना, इन चक्करों पे मत पड़ो प्लीज़। फालतू के उसमें मत पड़ो भाई। मैं पड़ गया, मेरे तरह बहुत कितने लोग हैं भाई। सोनली सिर्फ इंडिया की बात करें या उत्तराखंड की बात करें भाई, कितने लोग हैं, इतने लोगों में से मेरे ही तरह कितने लड़के होंगे भाई जो अभी बैठ के ही सोच रहे होंगे हम क्या करें, ये क्या हो गया, करना क्या है भाई तुमको। मेहनत कर, दिमाग खोल दे अपना पूरा, कुछ सालों के लिए लग जा भाई। आज का जो व्लॉग ये होगा बेसिकली ऐसा कुछ होगा कि लाइफ ब्रेकअप एंड सक्सेस काइंड ऑफ। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सम टिप्स जो आपको अप्लाई करनी चाहिए भाई। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको अप्लाई करनी चाहिए अगर आप इन चीज़ों में फंस गए हो भाई, रिलेशनशिप वगैरह में, वरना तो मत ही रहो भाई, क्योंकि लोग नहीं हैं, बहुत ही अजीब हैं भाई लोग, बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, भरोसा मत करना भाई कभी। वैसे तो एक भाई के नाते भाई मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम इस अर्ली स्टेज में हो, अगर तुम्हारा स्कूल टाइम से या ऐसा चल रहा है, देन इट्स ओके, वर्थ इट है, चलाओ उसको। यू पीपल, यू बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद अगर तुम किसी से मिल रहे हो लाइक कॉलेज लाइफ में या उसके बाद, तो आई डोंट थिंक सो कि आजकल का एरा में जो भी है, यू शुड ट्रस्ट एनीवन। डू नॉट ट्रस्ट एनी वन विद योर इमोशंस इन इट। किसी से भी इमोशंस के थ्रू कनेक्ट मत हो जाना बिल्कुल भी नहीं भाई, लड़कों गांड फट जाएगी गांड, इसीलिए जो है मत करना भाई। बाकी और चीज़ का जिसका भी कनेक्ट करना है कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। आजकल कोई नहीं पूछ रहा किसी से, बट इमोशंस का कनेक्ट मत करना। मैंने बहुत ऐसे लड़के देखे हैं भाई जो ख़त्म हो जाते हैं भैन जो चक्कर है। डोंट इमोशन का कनेक्ट, अगर तुम किसी अब हो तो आई जस्ट वॉन्ट कि तुम कुछ गलतियां ना करो, जैसे कि डू नॉट, तुम्हें कितनी भी लग जाए ना भाई, कितनी भी लग जाए, तुम अकेले रो लेना, तुम अपने भाई के पास रो लेना, तुम अपने दोस्त के पास रो लेना, उस इंसान के साथ जिस इंसान के साथ तुम हो या रहना चाहते हो आगे, उस इंसान के सामने अपने दुखड़े मत सुनाना भाई कभी नहीं, ना रोना भाई उसके सामने। जिस दिन तू रो गया
उसके सामने उस दिन शी इज़ गन ड्राई अप, शी इज़ गन थिंक दैट यू आर अ फकिंग वीक पर्सन, ठीक है ना? कभी भी मत करना भाई, शी इज़ गन लीव यू अगेन, पक्का भाई। पहली सीढ़ी तूने खुद चढ़वा दी, अगर तूने रो गया भाई तो मत करियो भाई, बिल्कुल भी मत करियो, ठीक है? सेकेंड जो टिप है वो यही है कि डोंट शो योर वल्नरेबिलिटी, कि तू तेरे को गुस्सा आता है एंड देन यू आर वीक, कि तेरे को गुस्सा आ जाता है एंड देन यू से समथिंग एंड उसके बाद लाइक तू डाउन भी हो जाता है, दैट्स योर वीक पॉइंट, या फिर तू इमोशनली वीक है काफ़ी। लाइक भाई मेजोरिटी ऑफ द लड़के जितने भी हैं भाई, कोई बोलता ही नहीं है डिजर्विंग ऑफ लव है या जो भी है, घर वालों से भी कुछ खास नहीं ना, बाहर से जिंदगी की मार पहले ही है, लड़का होने का वो पहले ही है, एंड उसके बाद अगर यू आर सीकिंग लव फ्रॉम आउटसाइड एंड वहाँ से भी तुम्हें मार पड़ती यार, ये है भाई, ठीक है ना? तो इसके रहता है भाई बंदों में, सो वल्नरेबिलिटी आ जाती है इमोशनली। कि मैं खुद का बताऊँ तो मैं खुद भी ऐसे था भाई, एक लड़के से एक आदमी बनने में जो खुश होता है ना भाई, वो यही चीज़ है भाई। सो डोंट शो योर वल्नरेबिलिटी, क्यों पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी यूज अगेंस्ट यू इन सम सर्टेन सिचुएशंस टू मैनिपुलेट यू इमोशनली, बिकॉज लड़कियां यही करती हैं भाई, लड़कियां इमोशनली मैनिपुलेट करेगी तुझे। अगर तू तो शो कर देगा भाई कि तेरी वीक पॉइंट क्या है, वीकनेस कहाँ पे है, एंड यू आर गोना गेट फक्ड अप एट दैट टाइम, जब तू तो पूरी दुनिया से मार खा गई, अपने घर की सिचुएशन को देख के मार खा गई, जब तू तो अपनी बंदी के पास जाएगा ना भाई, तो आजकल का एरा ऐसा है कि वो भी तुझे लात ही मारेगी, और लात ऐसी मारेगी लाइक लात नहीं मारेगी, लाइक ये वनरेबिलिटी, यू आर वीक, शी इज़ नॉट गोना ऐसे ही, अरे मतलब ही नहीं होता भाई। पॉलिटिकली अगर करेक्ट करने के लिए मे बी, बट बाई नेचर दे आर नॉट लाइक दैट, और अपने दिमाग में घुसा ले भाई बात। थर्ड टिप एंड शायद ये लास्ट ही होगी मेरी, चल आज तू मिल गया किसी से, ठीक है? लाइक इट्स अ टॉकिंग फेज चल रहा है भाई तेरा, स्टार्टिंग में है। वही मैंने कहा कि लड़के होते हैं ऐसे, उनको कई, जैसे मैं हो गया तो मेरे को भी काफ़ी मतलब ऐसे इतना अच्छा मेरा रहा नहीं स्टार्टिंग से सीन, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, जब ये टॉकिंग फेज आता है ना, जो सही लड़कियाँ भाई, जो खिलाड़ी हो तो खिलाड़ी है, कीप अप द गुड वर्क, जो मुझे खिलाड़ी मतलब जो चीते हैं भाई सारे, वो जिनको पता है गेम कैसे चलती है, कीप अप द गुड वर्क भाई, बिकॉज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सबक तो मिलना ही चाहिए किसी ना किसी को, अगर कोई अच्छा जेन्युइन बंदे को छोड़ के कहीं और ऐसे जा रहा है तो हैट्स ऑफ है भाई तुम जैसे लड़कों के लिए भी, कीप अप द गुड वर्क, बिकॉज या थोड़ा सबक तो मिलना ही चाहिए कहीं ना कहीं से। टॉकिंग फेज चल रही है जैसे ना भाई, तो जो इंसान भाई तेरी जिंदगी में आज आया है, आ रहा है, बी प्रिपेयर्ड कि वो एक दिन चला भी जाएगा, समझ रहे भाई? जो इंसान आया है ना आज, उसने एक दिन जाना भी है। अब मैं तुझे सच बता दूं भाई, ये कलयुग आज का जो एरा है, प्रिपेयर योर सेल्फ कि जिस दिन वो जाए तो तेरे घंटा फर्क ना पड़े तेरी जिंदगी में कुछ भी। कुछ जेन्युइन लड़के होते हैं भाई, दे कनेक्ट एंड इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, दे थिंक सामने वाला वादे कर रहा है कि भाई अब तो पकड़ लिया, अब तो छोड़ना ही नहीं है। नो, झूठे हैं सब, झूठे भाई, झूठ बोलते हैं सारे। बी प्रिपेयर्ड कि जिस दिन वो जाए, जा भाई जा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऐसा रखो। ऐसा रखने में कैसे, बहुत मुश्किल है ये, बिकॉज जानवर भी रखोगे ना भाई तब भी अटैचमेंट हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो गई, तो इंसान है। एक चीज़
कर सकते हो भाई तुम, बेयर मिनिमम डू द बेयर फकिंग मिनिमम। जहाँ तुम एक टॉफी से काम चला सकते हो ना भाई, वहाँ तुम्हें भेजो बड़े बड़े बुके देने की, इन बड़े बड़े गिफ्ट्स, बड़े बड़े टेडी बेयर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टॉफी से काम चल रहा है तो उस टॉफी से ही काम चलाओ भाई, उस टॉफी से ही पटाओ उसको। बेयर मिनिमम कोई औकात नहीं है भाई उसकी भी, तुम्हारी भी। अभी तुम कुछ अर्न नहीं कर रहे हो, ना तुम्हारी है ना उसकी है, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ना इमोशनली, ना फिजिकली, ना किसी भी तरीके से। फाइनेंशियली जब तुम्हारे पास है नहीं हो तो क्या ही, एक्स्ट्रा कितना ही तो कुछ कर लोगे, बट कोई ज़रूरत नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि तेरे ये एफर्ट तेरे को ही खाएंगे भाई, तेरा ही गला दबाने लग जाएंगे भाई उस दिन, जिस दिन तू वो इंसान तेरे को छोड़ देगा भाई, उस दिन वो ये सारे एफर्ट जो तेरे होंगे ना वो तेरा गला दबाने लग जाएंगे भाई। एंड मैं ये बहुत ही एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और ज़्यादा तुझे कुछ इतनी चीज़ कोई नहीं खाएगी कि ये छोड़ गए, ये खाई कि साला मैंने इतना करा, इतना अच्छा अच्छा किया, इतने बढ़िया एफर्ट किए, फिर भी ये इंसान साला इंसान है कि मजाक है। खुद पे ही सेल्फ डाउट हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, फक्ड अप हो जाएगा भाई, ऊपर से नीचे तक दुनिया हिल जाएगी पूरी, समझ नहीं आएगा ना खाने का ना हगने का। वर्थ इट नहीं है भाई ये सब, ठीक है, स्टे हार्ड। दुनिया बहुत मादर चोद है, स्टे हार्ड। जज करो भाई लोगों को, बोलते हैं ना जज क्यों कर रहा है, अबे तूने ही तो वो काम किए हैं, तूने जिस इंसान ने जो काम किए वो उसी के हिसाब से तो जज होगा। कोई क्रिमिनल है वो कोर्ट पे जाता है, वो ये बोलेगा भाई मैं अंदर से तो सॉफ्ट हूँ पर मैंने 10 मर्डर किए हुए हैं, जजमेंट उसके कर्मों के हिसाब से तो की जाएगी, जज कैसे कर दिया। अबे जज करो, दबा के करो भाई। मेजोरिटी ऑफ द लड़कियां भाई जो नहीं है ऐसी, उनको मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अपने टांग बता डाले चक्कर में, बट जो नहीं है ना ऐसी भाई, उनको खुद का नहीं पता वो खुद क्या चाहती है, खुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसी चूतियाबंदी कर रखी है, एंड उनका बस एस्केप है वो भाई। एंड तुम उस एस्केप में फंस रहे हो भाई, लड़के मत फंस भाई इन चक्करों में, जेनविन मामला है, जेनविन भाई गांड फट जाएगी ऊपर से नीचे तक। 3 टिप्स थी भाई जो मैंने तुम्हें दी, बाकी यार देखो, या तो दूसरे की ठोकर से समझ जाओ, या तो खुद ठोकर खाओ एंड फिर समझो, वही बेसिकली 11 बज रहा है भाई। एंड जितने भी लड़के हो ना भाई, प्लीज एक और ट्रूथ बता दो, तो दिस इज अ फकिंग कम बैक एंड दिस इज अ फकिंग, दिस इज वेरी पर्सनल टू मी यार, ये यूट्यूब चैनल वगैरह ये सब बहुत पर्सनल है भाई मेरे लिए, इसीलिए यू कैन सी कंसिस्टेंसी मैंने ऑन टॉप रखी है भाई फर्स्ट डे से ही। अगर आपने मेरे व्यू नहीं देखे बाकी और व्लॉग्स नहीं देखी तो डे 1 से स्टार्ट करके देखो भाई, देखो एक बार ही कंसिस्टेंसी रखी है भाई मैंने, देखो भाई। एंड प्लीज़ भाई प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार भाई, ये जो वीडियो है ना, और कोई वीडियो करो ना करो, बट ये वीडियो भाई हर बंदे के पास पहुंचा दो भाई, जितने भी तुम्हारे आसपास है भाई, रूममेट हो गए, क्लासमेट्स हो गए, बैचमेट्स हो गए, फैला दो भाई हर जगह, हर लड़के के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बिकॉज तुम्हें नहीं पता है, मुझे नहीं पता किसको इन बातों की ज़रूरत है, बट कोई नहीं है साथ भाई, मेरे को मैसेज करो भाई इंस्टाग्राम पे भाई, मैं बात करूँगा तुमसे, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों जो है मिल के रो लेंगे। पर भाई कभी भी ऐसी चूतियाबंती मत करना भाई ज़िंदगी में, प्लीज़ इस वीडियो को जितना शेयर हो सके ना भाई, जितना भी हो सके भाई उतना शेयर कर दो, वायरल कर दो भाई इसको पूरा। अब डाइट वगैरह बनाता हूँ एंड उसके बाद मैं सीधा जिम में मिलूँगा। प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एंड में मैंने कल रात का ही मैंने कॉल करी थी एंड उसके बाद ही मुझे काफ़ी कुछ रियलाइजेशन हुआ, बहुत ही हिट करी भाई मुझे कुछ बातें, वो भी मैंने ऐड थी उसी टाइम पे, एट द टाइम मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, वीडियो बना ली थी। आज सुबह 3 साढ़े 3 बजे से ही मेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया था बेसिकली, बट वो वाला पार्ट मैं एंड में चेप दूंगा। सो पूरी वीडियो देखना भाई प्लीज़, पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ ऐसा कनेक्ट होने को मिलेगा भाई, बहुत सारी ऐसी बातें जो कनेक्ट हो करेंगे भाई, लॉन्डे जितने भी हैं प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो यार, एंड शेयर करो, शेयर करो प्लीज़, इस वीडियो को शेयर करना हर किसी के साथ, बिकॉज़ यू नेवर नो भाई इमोशनली किसको क्या ज़रूरत है भाई, लोग तो बात भी नहीं कर पा रहे हैं आजकल एक दूसरे से, ऐसा भी है कई काफ़ी जगह, लोगों लोगों के पास लोग ही नहीं है बात करने के लिए ये सारी चीज़ों के लिए।
तो भाई सीधा डाइट बनाते हुए मिलते हैं डाइट के। सो भाई ओट्स वगैरह थोड़ा डेड हो रखा है मामला, स्टॉक में है नहीं अपने पास, दुकान पे मिलता हूँ तुम्हें। सो भाई लौंडे तो मिस कर रहे हैं, कॉल कूल कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, ब्लॉग वगैरह देखा होगा भाई, कल लड़ाई हो गई थी उसी से रिलेटेड कॉल आया था। और क्या लेना था यार अपने को, ओट्स हो गया, ओट्स ही ले रहा था, दूध वगैरह रोस्ट करो भाई रोस्ट, ट्रस्ट मी मेरा फ्लेवर आएगा बहुत अच्छा भाई अगर रोस्ट करके करो बहुत। प्रोटीन था नहीं, प्रोटीन खत्म हो गया आज आएगा, इसलिए मैं इसमें प्रोटीन ही डालता। जस्ट इमेजिन साथ जीने मरने के वादे एंड जब साथ रहने एंड रहने की एंड निभाने की बात आती है देन जस्ट इमेजिन कि ऐसा मिले सुनने को कि फाइनेंशली ऐसा होगा वैसा होगा करके, ऐसा मैन ऐसा लड़का भाई क्या लगेगा भाई तेरे को, ऐसी चोट पहुँचेगी ना भाई, गांड पड़ जाएगी गांड। ख़त्म करता हूँ भाई फिर मिलता हूँ। सो भाई जिम के लिए रेडी हो गए, देवेशीष तो निकल गया, रास्ते में पहुंच गया। दी यार मेरा ना पार्सल आया ना प्रोटीन, तो पेमेंट कर रखी है प्रीपेड है। भाई कमेंट में लोग पूछ रहे हैं भाई पूरी लड़ाई दिखाओ, भाई पूरी लड़ाई क्या दिखानी है, जो उसके बाद मैं नीचे गिर गया था भाई, मेरे यहाँ लग गई थी, दिखा देता हूँ भाई क्या अच्छा कमर में अबे वो झाड़ियों पे नहीं गिर गया था क्या, थोड़ा झार गया था, अरे बस ये छिल गया यार, मैंने बाद में देखा फिर जाके मैंने कहा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पूरी वीडियो देखना भाई, आज का जो व्लॉग है वो पूरा देखना एंड तक, एंड में वो मैंने सेशन ऐड किया वो कल रात 3 बजे, जैसे मैंने सुबह बताया गया था कल रात को 3:30 बजे रिकॉर्ड किया मैंने, सुनना भाई एक बड़ी ज़रूर। मुझे ऐसी अभी मैं बैठा हुआ था, वो लोग अंदर चले गए एंड मैं बैठा हुआ था तो मेरे को हिट करी, और इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ भाई ये बात भी, लाइक मैं जिम के अंदर हूँ फिर भी मेरे को हिट करती है भाई ये सारी बातें। सो बी केयरफुल भाई, इमोशनली कनेक्ट मत हो किसी के साथ भी, बी वेरी केयरफुल गाइस। वार्म अप कर दे भाई, जिंदगी तो चलती रहेगी, जिंदगी थोड़ी रुकेगी है ना। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe you can do anything, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be. To fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where, am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes
makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? पूरे जो है शोल्डर करे जाएंगे भाई डोमिनेट। हालत अपनी हो चुकी भाई पतली। भाई सीन ये है कि अपनी आज से हो गए भाई स्प्लिट चेंज। विंटर आर्क के लिए हमने स्प्लिट कर दिया भाई पुश पुल लेग्स, जिसमें कि ट्राइसेप्स और बाइसेप्स इंक्लूडेड नहीं होंगे पुश और पुल में। आर्म्स बेसिकली हम फ्रेश मारेंगे लेग्स के बाद एंड एक दिन का रेस्ट लेंगे ताकि बॉडी पूरी रिकवर हो जाए, एंड देन फिर 4 डेज की स्प्लिट ये चलती रहेगी। भाई ग्राइंड अब स्टार्ट हो गई है क्योंकि भाई खाना खुद ही है, बनाना भी खाए खुद ही है, दिक्कत होने वाली भाई बहुत तगड़ी। कुछ नहीं है भाई खाने के लिए। सो हे एवरीवन, घर तो पहुंच गए। जेन्युइन सीन है भाई कि पार्सल आ गया भाई, पार्सल लेजन ये था भाई। प्रोटीन आ चुका है, वरना तो भाई दिक्कत हो जाती बिना प्रोटीन के। आज मैंने एक भी नहीं पिया एंड 2 स्कूप पीऊँगा। सो बेसिकली भाई कल रात मैंने 3:30 बजे एक सेशन रिकॉर्ड किया था अपना। जो भी मेरी बातें थी भाई उस टाइम पे, मेरे को बात जो भी बोलनी थी रिकॉर्ड करी थी मैंने, एंड इसके बाद वही प्ले होगी। सो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल ऑफ यू टू वॉच इट, स्पेशली जो भी बंदे हैं भाई तुम लोग देखो भाई उसको, एंड डू शेयर करना भाई। कनेक्ट होंगे तो भाई, भाई के बातों से कनेक्ट होंगे तो शेयर ज़रूर करना, बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। एंड यही एक तरीका है भाई मेरे लिए फिलहाल, सब्सक्राइब करना भाई, एंड जितना पुश कर सकते हो, जितना वायरल कर सकते हो भाई इसको करना। एंड बस यही एक रिक्वेस्ट है भाई, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जो कनेक्ट होगा तो भाई प्लीज़ पक्का एक बार ही कर देना यार, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना यार, जो कनेक्ट होगा भाई बातों से। 3, 2, 1 सेशन स्टार्ट। सो भाई आई जस्ट रियलाइज्ड अ वेरी बिग थिंग इन लाइफ, बहुत ही बड़ी एक चीज़। एंड आई जस्ट, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई रात के 3 बजे, आई जस्ट रियलाइज्ड अ वेरी फकिंग ग्रेट थिंग इन लाइफ। अभी मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ, एंड खुद भी, ताकि मैं खुद भी इसको रिपीटेडली देखता रहूँ। एज अ ह्यूमन बींग मैंने बहुत, किसी इंसान के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए भाई, प्यार कर
कोई भी एस्पेक्ट, मतलब कि प्यार अगर करना, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ भाई कि मैंने जितना किया ना इतना कोई नहीं करेगा, कोई कर ही नहीं सकता करके। उस इंसान के लिए इतने एफर्ट्स करने, इतने प्यारे एफर्ट्स भाई, कभी कभी शेयर करूँगा कि क्या क्या मैंने एफर्ट्स किए। बहुत सारे ऐसे करते हैं, मैंने भी किए, तो मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि मैंने भाई प्यार में बहुत एफर्ट्स किए भाई। यू नो व्हाट, थोड़ी देर पहले ही इट वॉज आई जस्ट थॉट कि यू नो उस एंड से भी थोड़ा कुछ ऐसा होगा, बट मैन तुम बातें सुनते, बातें सुनोगे ना भाई, भाई जो मेरे तरह लड़के हैं ना भाई, लाइक मेरे तरह क्या, मेजॉरिटी ऑफ द लड़के भाई इस उससे तो रहते ही रहते कि वी आर नॉट टोल्ड कि वी आर डिजर्विंग ऑफ लव या जो भी। यार लव वाला कॉन्सेप्ट तो साला सब मां जुदाने गया भाई, सब खत्म हो चुका है भाई इस दुनिया में, अब नहीं है, नहीं है ही नहीं भाई। पैसा पैसा और पैसा ही बोलता है भाई बस। तुम बातें सुनते बाप रे, इस इंसान के लिए मतलब रात भर उठा रहा करके कि सुबह रेलवे स्टेशन जाना है पिक करने, रात भर उठा रहा भाई, सोया नहीं कि सुबह मतलब कि नींद कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, मतलब नींद सॉरी डिस्टर्ब नहीं कि सुबह कहीं नींद खुले ना और मैं उसको पिक करने ना जा पाऊँ। रात भर सोया नहीं भाई, सुबह उठ के 5-5 बजे उठ के टिफ़िन बनाया करके कि कॉलेज जा रहा है, कॉलेज जाएगी ही करके तो टिफ़िन बना के दो उसको। ऐसे ऐसे एफर्ट किए भाई मैंने बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, बहुत है। मैंने आगे भी जिंदगी के लाइक कौन है भाई, कौन बोलता है, कोई नहीं है भाई। आजकल सब स्लिंग एंड यू नो हुकअप्स एंड ये सब सीन चल रहा है, कोई नहीं बोलता भाई कि हमको करके कि लाइक आई एम विद यू फॉर द लाइफ टाइम एंड आई वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आई वांट टू ग्रो विद यू, ग्रो ओल्ड विद यू, ग्रो विद यू, कुछ भी कैसे भी लाइफ के सबसे डाउन एस्पेक्ट्स भी मैं तुम्हारे साथ सफ़र करूँगा एंड सबसे हाईएस्ट जो भी फेजेस होंगे वो भी। कौन बोलता भाई, कोई नहीं बोलता। इतना साथ भी अगर किसी का है तो वो काफ़ी नहीं है क्या? अरे कमा लो यार पैसे, कितने कमा लोगे भाई हैं? जहाँ साला प्यार ही नहीं होगा भाई तो वहाँ क्या कर लोगे, सोने की प्लेटों में अपना सर फोड़ोगे क्या? या लोग एक दूसरे से खुल के नहीं है, एक दूसरे के पीछे फ्रॉड है, मैंने देखा है भाई। क्या कर लोगे इतना पैसा कमा के स्ट्रेट अवे भाई, तू भी देख रही है ना अभी, तो क्या कर लेगी भाई, क्या कर लेगी इतना पैसा कमा के जब इंसान तेरे को फ्रॉड मिलेगा तो? कुछ भी नहीं मिलना भाई प्यार से भाई, तो रोटी भी खा लोगे ना, उस चीज उस अलग लगेगा शरीर पे, वो सोल पे लगेगा, वो चीज नरिशमेंट उसकी सोल पे लगेगी। खा लो भैंस, सोने की प्लेटों में खा लो, कहीं घूम लो, कुछ भी कर लो भाई, वही सोल में कोई नरिशमेंट नहीं है उस चीज का भाई, अगर प्यार की कमी हो कुछ नहीं। लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमाते हैं भाई तब भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, क्यों? खुशी नहीं है भाई, वो नरिशमेंट ही नहीं है सोल के लिए। बेकार है भाई सिस्टम, बहुत बेकार है। मुझे लगता है भाई कि मैं बहुत ही गलत जनरेशन में पैदा हो गया, सीरियसली। एंड मेरे तरह भाई जितने भी लड़के आउट देयर, डोंट लूज होप। आई थिंक कोई ना कोई इंसान तो बना ही होगा भाई। सुंदरता हटाओ बहन चोद, अंदर की देखो भाई, अंदर की ब्यूटी देखना स्टार्ट कर देता हूँ भाई मैं तो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं देखो भाई बिल्कुल ही जेन्युइन मामला बताता हूँ भाई। तो मैं तो देखता हूँ भाई कि लड़की होनी चाहिए प्यारी, सभी देखते भाई कि लड़का स्मार्ट हो, बट भाई अब तो मैं देखने लगा हूँ अंदर की होनी चाहिए भाई। बस बाहर से जैसी भी हो, जितनी भी हो, जैसी भी एवरेज बिलो एवरेज, अंदर से होनी चाहिए भाई। ऐसे इंसान हो गए भाई आजकल, बहुत बेकार सीन हो गया भाई, बहुत ज़्यादा बेकार। जो भी भाई मेरे तरह लड़का है, किए भाई तुमने एफर्ट्स अपने एंड से, मैंने इतने किए, तुमने और किए होंगे, किसी ने थोड़ा कम, बट अपने तरफ से जितना भी किया भाई
कोई ज़रूरत नहीं है भाई, अपने पे एफर्ट करो, अपने पे एफर्ट करो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है लोगों पे एफर्ट करने की, नहीं है ये सारी इसकी पागल है, कोई प्यार नहीं देखता और ना कोई इस दुनिया में तुम्हारे साथ, तुम अकेले आए थे इसमें और अकेले जाओगे, कोई नहीं जाएगा साथ में तुम्हारे भाई, ये लिख के ले लो, नहीं जाने वाला, होएगा ही नहीं, वो टाइम गया, वो टाइम जा चुका है भाई बहुत पहले का, साथ में जीने मरने की किस्मत तो बहुत पहले चले गया, वो जो पुराने TV के ज़माने में चले गया भाई। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस कि भाई रोंगटे खड़े उठ रहे भाई मेरे अभी अंदर से, लाइक मैं कहता हूँ ना 2 महीने से मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया भाई, मैं आई एम जस्ट फकिंग वेटिंग बिकॉज ऑफ सम कि मैं एक सम एस्ट्रोलॉजर से मैंने बात करी थी एंड जस्ट आई जस्ट शेयर्ड विद हिम कि क्या सिनेरियो था, जो ही जस्ट सेड कि रुक जाओ अक्टूबर के बाद यू नो समथिंग विल हैपन, दे विल कम बैक करके, हैव अ पॉजिटिव थॉट टूवर्ड्स इट, भाई मैंने रखा, आज अक्टूबर एंड हो नहीं मतलब हो ही गया ऑलमोस्ट 30th है भाई सामने से, आई एम जस्ट कि यार आई मिस यू एवरी डे, कि मेरे को अभी नहीं याद आती है यार मेरे को ना, मतलब नहीं हो पा रहा भाई, मतलब रोज मैं मिस करता हूँ रोज, एंड सामने से बताओ क्या बोल रहे भाई गॉड डैम इट यार क्या हो गया लोगों को यार, अगर भाई पैसा ही एक ऐसी चीज है ना तो साला वो भी कमा लेंगे भाई कुछ ना कुछ करके, अब तो साला इतनी भूख हो गई है ना कि प्यार बहन चोद खरीदना भी पड़ेगा ना तो साला वो भी खरीदेंगे भाई, अपने आप से वादा कर लो साला एक दिन ऐसा आएगा कि प्यार भी खरीदेंगे, आई एम सो फकिंग टायर्ड ऑफ दिस फकिंग जनरेशन यार, क्या हो गया है लोगों को, पीपल आर सो सेल्फिश एंड पीपल आर सो सोसाइटी ने मार छोड़ दी बेटा, पता नहीं क्या मेंटालिटी कर दी भाई लड़कियों की भी, सीरियसली लाइक दोनों फैमिली ओरिएंटेड होने चाहिए थे, नाउ गर्ल्स आर द वन हु आर द इंडिपेंडेंट एंड वी आर द वन हु आर अ फैमिली ओरिएंटेड, कि हाँ भाई तुम्हें साला परिवार चलाना है, बच्चे देखने हैं, उनकी फ्यूचर की टेंशन वगैरह वगैरह, बीवी के ये वो सो खर्चे वर्चे, एंड व्हाट अबाउट वुमेन, दे आर गोइंग टू बी फकिंग इंडिपेंडेंट, ये सीख है भाई हर घर की सीख है ये, एंड द जो उसकी वजह से जो एक्सपोजर मिल रहा है भाई लड़कियों को उस और उस चीज़ का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उनकी लाइफ में, दैट इज सो लीथल, डैमेज कर रहा है भाई, अंदर ही अंदर से खा जाएगा ये कल्चर को हमारे, डीप डाउन बहुत गंदा खा जाएगा भाई, इन फ्यूचर में रिलेशनशिप्स शादी वादी सब पे आग लगने वाली है बहुत तगड़ी भाई, एक से एक फ्रॉड एक दूसरे को मिलेंगे भाई, जो जैसा होगा वो उसके उसके तरह ही टकरेगा भाई, आई एम जस्ट फीलिंग सैड यार, सही बात बताऊं तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है भाई, अभी मेरे भी सबसे बड़ी करेंसी अभी मेरा इमोशनल स्टेट है भाई, इमोशनली इमोशंस मेरे अभी सबसे बड़ी करेंसी है, सबसे बड़ी करेंसी मेरे पास मेरे इमोशंस हैं, इस इमोशंस से भाई मैं बहुत तगड़ी ग्राइंड भी कर सकता हूँ, बहुत तगड़ी ग्राइंड करके बहुत सक्सेसफुल भी हो सकता हूँ, एंड इसी इमोशंस में से मैं अपने आप को बर्बाद भी कर सकता हूँ, ये तुम पे डिपेंड करता है भाई कि तुम्हें इस ये जो करेंसी अभी तुम्हारे पास है ना, ये एज होती है 19, 20 to 24, 25 तक, तुम्हें इस करेंसी से करना क्या है भाई, या तो तुम्हें ऊपर जाना है या तो तुम्हें नीचे जाना है, मुझे तो ऊपर जाना है भाई,
क्योंकि मुझे प्यार खरीदना है इतने, मैं खरीदूंगा। बहुत हो गया भाई, जस्ट टेक दिस एज कि ये डे, वैसे तो ये डे ओवर हो चुका है, तो 30 तारीख है भाई आज, तो 20th डे है, बट ये मैं उसमें ऐड करूँगा पक्का ही पक्का, चाहे भाई ये 40 मिनट की वीडियो बन जाए। भाई साहब आई एम गोइंग टू ऐड दिस होल वीडियो एंड आई डोंट नो, जो भी भाई देख रहा होगा एंड आने वाले टाइम पे देखेगा, ह्यूज इम्पैक्ट पड़ना चाहिए भाई इन बातों का तुम्हारी लाइफ में, एक्सपीरियंस एंड एक बहुत ही सच्चे इंसान होने के तौर पे, लाइक मैं ऐसे, मुझे ऐसा लगता है सोसाइटी में मैं ये चीज़ तो एक्सप्रेस कर ही सकता हूँ, या जो भी मैं इतना एक्सपीरियंस कुछ उन किसी एक ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे लड़कों के लिए भाई जो है इस एस्पेक्ट में बहुत मार खा चुके हैं एंड आगे कुछ गलत कदम ना लें। स्टे फोकस्ड, बी द पर्सन, बी द बेस्ट वर्जन। अरे लीक से ही बाहर चले जाओ भाई, गांड फट जाएगी उनकी अपने आप ही। यूं भाई करो, करते रहो भाई, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढो साला, कुछ ना कुछ तरीका भाई, लगे रहो, चाहे 10 साल लग जाए भाई, बट एक दिन उस साला एक दिन ऐसा आना चाहिए कि उनकी गांड फट जानी चाहिए भाई, कि साला किसको छोड़ दिया, कि बहन चो ये तो कर गया भाई। सो ये वीडियो वैसे मैं भी मॉर्निंग समझ लो रिकॉर्ड करूँ, बट डालूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस लाइफ, हैव अ नाइस जर्नी टूवर्ड्स योर गोल्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना भाई, एक दिन सक्सेसफुल होऊंगा मैं भी, उस सक्सेस को भी देखने के लिए एंड एवरीथिंग, ठीक है, बाय बाय।